जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। हम इस समय दक्षिणी कश्मीर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती कैंपेन करती हुई नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती लोगों से मिल रही है। ये महबूबा मुफ्ती का गढ़ है जहाँ से वो बचपन से पॉलिटिक्स में देखी गई किस तरह से उन्होंने। महबूबा जी, आज आप अपने घर में हैं, यहाँ पे आप आस्थान में भी गई, दुआ आपने मांगी, किस तरह से आप देख रहे हैं लोगों का रिस्पॉन्स? हर रैली में आपको देखा जा रहा है कि काफी भीड़ जुट रही है। इसे आपने खुद ही कहा, मेरा घर है तो घर वाले कैसे होते हैं, घर वाले बहुत प्यार करते हैं, उनके दिलों में हम बसते हैं, तो ये तो कहने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों को देख रहे हो, लोगों का प्यार देख रहे हो, उनकी इज्जत। और मेरा रिश्ता तो आज से इनका नहीं है, मेरा रिश्ता उस वक्त से है जब यहाँ बाहर निकलना मुश्किल होता था, जब चारों तरफ से बंदूकों ने लोगों को घेर के रखा था, तब से मेरा और इन लोगों का रिश्ता है। आप लगातार कह रही है कि बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा नहीं है इस बार, तो क्या मेन जो धारा 370 को हुआ था वही आप लोगों को? कश्मीर धारा 370 हटाने से वो और मुश्किल हो गया, लोग और भी दूर हो गए मुल्क से धारा 370 हटाने की वजह से। तो इसलिए मसला सिर्फ 370 नहीं है, मसला ये है कि मसले कश्मीर, जिसके लिए यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारे घर उजड़ गए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी औरतें बेवा हो गई, उस मसले को हल करना है। 370 तो सूद के समेत वापस करना होगा। बाबा जी, पूरी कंट्री में हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस एक साथ है, लेकिन कश्मीर में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। देखिए, हम इंडिया अलायंस के साथ इसलिए नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करें नहीं करें, हम राहुल गांधी के साथ हैं जिसने इस वक्त मुल्क में भाईचारे को, मुल्क के आईन को बचाने का बेड़ा उठाया हुआ है, जिसने इस मुल्क को टुकड़ों में बांटने को के खिलाफ आवाज उठाई है, हम उस आवाज के साथ हैं। लास्ट क्वेश्चन, कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर? चलिए इंशाल्लाह वो देख लेंगे। ये पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने साफ बताया कि वो राहुल गांधी ने जो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा संभाला हुआ है उसके साथ लगातार अभी भी बने हुए हैं, इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन इस बात पर उन्होंने चुप्पी साधी रखी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध में वो कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।